क्लास पास कर लिया है तो आपके लिए कौन सा सेफ्टी कोर्स बेहतर होगा? सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए 12वीं पर यानी 12 का एग्जाम पास करने के बाद आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा और कौन सा कोर्स आपको अधिक सैलरी दिलाएगा? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस कोर्स पे कितनी सैलरी आपको ऑफर होती है और वह सैलरी इंडिया में कितनी तक आप पा सकते हैं, कोर्स करने में क्या खर्चे आएंगे, ये तमाम बातें हम आपसे शेयर करेंगे। क्या आपको डिप्लोमा कोर्स करना आपके लिए बेहतर होगा? क्या आपके लिए एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना बेहतर होगा, इंजीनियरिंग करना बेहतर होगा या मैनेजमेंट कोर्स करना बेहतर होगा? इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और आपको एक-एक क्वेश्चन जो आपने पूछा था वह सभी क्वेश्चन का जवाब एक-एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेफ्टी कोर्स वे लोग करते हैं जिन्हें सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करना होता है या कंपनी में एक सेफ्टी मैनेजमेंट का वर्क करते हैं, सेफ्टी को का पूरा ख्याल रखते हैं और उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दो तरह की कैटेगरीज आपके सामने आती है। पहली कैटेगरी जो आती है वह है हेल्थ सेफ्टी का और दूसरी कैटेगरी जो आती है वह है आपका फायर सेफ्टी कोर्स का। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और उसके फायदे नुकसान और सैलरी खर्च तमाम बातें किया था। अगर आपको उस वीडियो से जानकारी लेनी है वह वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं और उन सभी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम बात कर रहे हैं ये कोर्स 12वीं की बात, एक कोर्स का नाम है मैनेजमेंट कोर्स। यह मैनेजमेंट कोर्स जो है हेल्थ में भी होता है और फायर में भी होता है, यानी अगर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फायर सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो आप जो है फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 12 महीने का होता है जिसे आप रेगुलर मोड में करते हैं। आपका असाइनमेंट, आपका रिपोर्टिंग, आपका प्रैक्टिकल, ये तमाम वर्क होते हैं। यह कोर्स आपको एक अच्छी सैलरी दिलाता है, आपके लिए एक अच्छी सैलरी की व्यवस्था करता है। कंपनी जो सबसे ज्यादा इस समय पसंद कर रही है वो मैनेजमेंट लेवल के कैंडिडेट को वह पसंद कर रही है या सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है। अब एक बात और सामने आती है कि हमने 12वीं तो पास कर लिया है, 12वीं तक हमने पढ़ाई कर लिया है, कौन कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं, एलिजिबल हैं? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप जो हैं तीन तरह के कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप उसके योग्य हैं। पहला, आप सेफ्टी का डिप्लोमा कर सकते हैं, आप सेफ्टी में एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, आप सेफ्टी में मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं। ये तीन तरह के कोर्सेज आपके सामने आते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी कोर्स आप कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं, सेफ्टी डिप्लोमा कर सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा कर सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कर सकते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। यानी आपने देखा यहाँ पे कई तरह के कोर्सेज हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह तीनों कोर्स अपने आप में बेहतरीन कोर्स हैं और एक अच्छी सैलरी दिलाने में आपकी मदद करते हैं। यदि आपने 12वीं क्लास पास कर लिया है तो आपके लिए कौन सा सेफ्टी कोर्स बेहतर होगा? सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए 12वीं पर यानी 12 का एग्जाम पास करने के बाद आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा और कौन सा कोर्स आपको अधिक सैलरी दिलाएगा? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस कोर्स पे कितनी सैलरी आपको ऑफर होती है और वह सैलरी इंडिया में कितनी तक आप पा सकते हैं, कोर्स करने में क्या खर्चे आएंगे, ये तमाम बातें हम आपसे शेयर करेंगे। क्या आपको डिप्लोमा कोर्स करना आपके लिए बेहतर होगा? क्या आपके लिए एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना बेहतर होगा, इंजीनियरिंग करना बेहतर होगा या मैनेजमेंट कोर्स करना बेहतर होगा? इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन जो आपने पूछा था वह सभी क्वेश्चन का जवाब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेफ्टी कोर्स वे लोग करते हैं जिन्हें सेफ्टी ऑफिसर
का जॉब करना होता है या कंपनी में एक सेफ्टी मैनेजमेंट का वर्क करते हैं, सेफ्टी को का पूरा ख्याल रखते हैं और उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दो तरह की कैटेगरीज आपके सामने आती है। पहली कैटेगरी जो आती है वह है हेल्थ सेफ्टी का, और दूसरी कैटेगरी जो आती है वह है आपका फायर सेफ्टी कोर्स का।